हेलो हाय नमस्ते, मैं गणेश स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दी वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। आज हम एक्सेल में सीखने वाले एक मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। चलो कुछ नॉलेज की बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा डिफरेंशिएट कर देते हैं फिल्टर और एडवांस फिल्टर में। फिल्टर हम लगाएंगे जहां पे क्राइटेरिया सिंपल हो, और एडवांस फिल्टर हम वहां लगाएंगे जहां पे क्राइटेरिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए। लेट्स सी एडवांस फिल्टर कैसे लगाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम जो हेडिंग लिखी है इसको कॉपी करेंगे, एज इट इज पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया लिखने वाले हैं। हम कहने वाले हैं कि मुझे चाहिए गणेश का डाटा, और गणेश का वो डाटा चाहिए जो जहाँ पे सेल की वैल्यू एक्सीड हो रखी हो 4000 से। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दी। अब आपको क्या करना है, डेटा पे जाना है, डेटा पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहला जो है एक्शन है। एक्शन में कहता है कि आप फिल्टर करो, फिल्टर द लिस्ट इन अ प्लेस, जहां पे आपका ओरिजिनल डेटा है उसी प्लेस पे आपको फिल्टर करना है, तो आप इस पे क्लिक कर रहने दो। अगर आपको दूसरी लोकेशन पे फिल्टर करना है तो आप क्या करो, कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन करने के बाद हम करते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन। हम सबसे पहले है लिस्ट ऑफ रेंज। लिस्ट ऑफ रेंज वो रेंज है जहां से आपको डेटा फिल्टर करना है। उसके बाद आपको बतानी है क्राइटेरिया। आपने क्राइटेरिया क्या लिखी है, आपने क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कॉपी टू, कॉपी टू आप किसी भी सेल में जाके रेफरेंस दे दो तो, और क्लिक करके ओके कर दो। तो आपको इसने क्या किया है, गणेश का डाटा उठाया है जहां पर सेल है एक्सीड। अब मैं थोड़ी इसको कॉम्प्लेक्स बना देता हूं थोड़ी सी। ये थोड़ी सिंपल क्राइटेरिया था इसका, थोड़ी इजी था। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ गणेश जी का डाटा चाहिए, लेकिन डेटा होना चाहिए पंद्रह ग्यारह 2020 से ज्यादा, मतलब डेट 15/11/2020 के बाद क्यों नहीं चाहिए, और रीजन होना चाहिए यूरो, रीजन होना चाहिए यूरो, ठीक है, और सेल की वैल्यू हम 4000 ही रहने देते। तो अब क्या हो गया, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। और तो स्टार्ट देखते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जहां पर गणेश का डेटा हो और रीजन यूरोप हो, सेल एक्सीड हो 4000 से, डेट होनी चाहिए 15/11/2020 के बाद की। तो लेट्स सी, एडवांस पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज सेलेक्ट हो रखी है, फिल्टर भी, क्राइटेरिया रेंज भी मेरी सेलेक्ट हो रखी है। अब मेरे को जैसे यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, सेल का रेफरेंस देके ओके कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, गणेश का डाटा उठाया है यूरोप में, जो जहां पर सेल की वैल्यू क्या है, एक्सीड है। तो ये था सिंगल क्राइटेरिया। हम एडवांस फिल्टर में मल्टीपल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं और क्राइटेरिया। लेट्स सी और क्राइटेरिया हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमने ऑलरेडी बता दिया, जो हेडिंग है उसको एज इट इज कॉपी, फिर हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया। क्राइटेरिया लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डेटा पर जाएंगे, एडवांस फिल्टर पर जाएंगे,
और एडवांस फिल्टर के बाद हम करते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया जहाँ से मेरे को फिल्टर करना है डेटा। फिर मैंने यहाँ पे उठा लिया है क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू अनदर लोकेशन, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, गणेश का वो डेटा उठाया है जो था यूएस रीजन में और एक्सीड था 4000 से, लेकिन हमने दूसरी क्राइटेरिया भी लगा रखी थी यहाँ पे। दूसरी क्राइटेरिया क्या थी कि एशिया का कोई भी डाटा हो उसको भी आपको उठा के यहाँ पे बताना है हमको। तो इसने क्या किया, एशिया का जितना भी डाटा था जो भी एक्सीड था 4000 से वो सारा डाटा क्या कर दिया इसने यहाँ पे हमको उठा के दे दिया। एडवांस फिल्टर यूज होता है डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करने के लिए भी। लेट्स सी, सबसे पहले हम एक डेटा उठा लेते हैं। मैंने मेरे पास एक डेटा है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज डुप्लीकेट डली हुई हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ये एंट्रीज जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं इनको यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। सबसे पहले हम करेंगे, जाएंगे डेटा में एडवांस, एडवांस में जाके यहाँ पे एक्शन में कहता है कि फिल्टर द लिस्ट इन अ प्लेस जहाँ ओरिजिनल डेटा है या फिर दूसरी लोकेशन में। हम यहाँ पर कर लेते हैं, हमको दूसरी लोकेशन पे चाहिए। लोकेशन कौन सी चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको करना है यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे टिक लगाना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और देन इसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, आपको जितनी भी आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज थी उसको इसने रिमूव कर दिया। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कैसे वाइल्ड कार्ड करेक्टर को यूज करके हम एडवांस फिल्टर लगाते हैं। लेट्स सी, हम एक एडवांस एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर ले लेते हैं स्टार। स्टार के बाद हम ले लेते हैं SH। इसका क्या मतलब है कि सेल पर्सन में जिसके भी लास्ट में SH होगा वो सारे पर्सन यहाँ पे आपको फिल्टर करके दे देगा। अगर अल्फाबेट से पहले अगर कोई स्टार लगा हुआ, जो अल्फाबेट से पहले अगर कोई भी स्टार लगा हो तो इसका मतलब था कि SH से पहले कितने भी लेटर आ जाएं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में SH होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या डाटा उठा के देता है हमको एडवांस फिल्टर। तो सबसे पहले डेटा, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, क्राइटेरिया हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी हमको करना है यहाँ पे और ओके। ये देखिए, तो इसने हमको डेटा फिल्टर करके दे दिया। जिसके भी लास्ट में SH आ रहा है वो डेटा यहाँ पर इसने हमको फिल्टर करके दे दिया है। अभी हम लगाते हैं, हमने हम स्टार्ट देखते हैं कि के ऐसे सेल्स पर्सन का डेटा हमको चाहिए जिसकी स्टार्टिंग का लेटर के है बट आगे के लेटर्स हमको नहीं पता, आगे के अल्फाबेट हमें नहीं पता, तो हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तो लेट्स सी क्या डाटा उठा के देता है। एडवांस पे जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कॉपी टू हम सेल का रेफरेंस दे देते हैं, देन ओके। तो इसने हमको डेटा उठा के दे दिया है, वो डेटा उठा के दिया है जिसके स्टार्टिंग में क्या है, के है, और तो कैलाश जी का एक डाटा है जिनके स्टार्टिंग में के आ रहा है, और बाकी कोई भी ऐसे यहाँ पर कोई भी ऐसा नाम नहीं है सेल्स पर्सन का जिसके स्टार्टिंग में के है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक अगले नए नॉलेजल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।